राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और आज सुबह दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 457 दर्ज किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है, बेहद ही गंभीर श्रेणी होती है ये। इवन 385 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है तो ये भी बहुत ही ख़राब श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है। तो इसमें देखिए ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 आज भी दर्ज, और धुंध की एक चादर देखने को मिल रही है। इस धुंध के बीच में लोगों को गुजरना पड़ रहा है, लोगों को रहना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार तमाम दावे कर रही है कि उनके विंटर एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में प्रदूषण को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया है, जिसका असर भी दिखा है। गुड्डेज की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो उनका क्लेम है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जो स्मॉग दिल्ली वासियों को झेलना पड़ता है वो तो देखिए अभी भी बरकरार ही है। उस स्मॉग के बीच में अभी भी दिल्लीवासी रहने को मजबूर ही है। आनंद विहार में काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, 457, जो बहुत ही हजारीय स्टेट होती है। ओवरऑल 385 है, जो कहीं ना कहीं देखिए वेरी अनहेल्दी स्टेट पे आता है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से अब एंटी स्मॉग गन्स, स्प्रिंकलर्स, इन सभी को चलाया तो जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो डेटा सामने आ रहा है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रदेश में हो गए हैं, उसके बाद भी अगर सर्दियों के आगमन के साथ से ही इसी मौसम में सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, अगर स्मॉग नज़र आएगी या उसके बीच में दिल्ली वासियों को रहना होगा, तो ऐसे में सवाल उठेगा ही कि जो मेजर्स लिए गए हैं वो मेजर्स ज़्यादा असरदार आखिर क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो रहे हैं। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 385, बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन में दिल्ली की आबो हवा। शिवम, देखिए निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए रोज सुबह तमाम तरीके की मुसीबतें आती हैं। आज तो ये ओवरऑल EQI की बात करें तो 385 है, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। यही एक वजह है कि दिल्ली में लोग अब सुबह की सैर पर नहीं निकल रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आज EQI 400 के पास चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। लोगों को तमाम तरीके की परेशानियां भी इस वजह से हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में जलन है, गले में खराश है, और डॉक्टर्स का भी लगातार इस तरीके की वार्निंग दे रहे हैं कि इस दौरान बाहर निकलना तमाम गंभीर समस्याओं को न्यूनता देता है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो आनंद विहार में EQI 450 के आसपास है, ऐसे में आप स्थिति को समझ सकते हैं। हालांकि सरकारें तमाम दावा कर रही हैं कि तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई राहत नहीं है। इस वक्त की बात करें तो दिल्ली वासियों पर दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ तो वायु प्रदूषण के चलते बेहद गंभीर स्थिति है, वहीं दिल्ली के अधिकांश इलाकों में यमुना के पानी से सप्लाई होती है, और यमुना के पानी में जहरीली एक चादर, जो आप कहिए बर्फनुमा, वो छाई हुई है। ऐसे में दिल्ली वासी हर वक्त इंतजार करते हैं कि कोई बड़ी पहल होगी, लेकिन पराली का धुआं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, गाड़ी से निकलने वाला धुआं और इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल, ये दिल्ली वासियों के लगातार मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। हालांकि ग्रेपोर लागू कर दिया गया है, तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन स्थिति दिल्ली में सुधरती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले एक सप्ताह तक दिल्ली में यही स्थिति रहेगी। बिल्कुल शिवम, अब देखिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि नेशनल इशू है पोल्यूशन, एक केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, आसपास के कई राज्यों की समस्या है, बट उतनी गंभीरता से इसे लिया नहीं जाता। तो उनकी तरफ से जो प्रयास किए गए हैं उसका असर तो खैर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन कब तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है ये जरा आप बताइएगा, और एडवाइजरी किस तरह की जारी की गई है दिल्ली वासियों के लिए भी बताइए। देखिए, जो दिल्ली की आबो हवा इन दिनों है वो बेहद बीमार करने वाली है। जिस तरीके का EQI बना हुआ है उसकी वजह से लोग सुबह अब घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिनको बेहद जरूरी काम है या जिनका ऑफिस है वही घरों से निकल रहे हैं। एडवाइजरी की बात करें तो रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने का किया गया है। कहीं भी दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन की साइट है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जगह जगह एंटी स्मॉग गन्स लगाए गए हैं। पराली जलाने की घटनाओं में भी थोड़ी सी जो कमी है वो की गई है। उसके साथ साथ जो गाड़ियों की पार्किंग है उसको लेकर भी तमाम तरीके के आयोजन किए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्थिति सुधरी नहीं है। तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन दिन ब दिन
दिवाली के बाद की बात हो रही थी, लेकिन दिवाली के बाद से तो AQI और बेहद खराब हो गया है। माना ये जा रहा है कि इस सप्ताह और ऐसी स्थिति रहेगी, फिर धीरे धीरे जब हवाएं तेज होंगी, क्योंकि अभी हवा बेहद मंद है और उसके चलते पॉल्यूशन रुका हुआ है, हवाएं जब तेज हो जाएंगी एक हफ्ते के बाद, तब दिल्ली में स्थिति सुधर सकती है। आपका बहुत शुक्रिया शिवम, इन सारी जानकारियों के लिए।